Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Richa. I hope you all are safe and healthy. So start करते हैं आज की वीडियो. आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपको ले चल रही हूँ अपने साथ सरोजनी नगर. सो सरोजनी नगर मार्केट हम चलने वाले हैं आज और देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें नई आई हैं और बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. सो वैसे तो कोरोना है, हमें इतना नहीं इस तरीके की मार्केट में घूमना चाहिए, बट मैंने चांस लिया है और मैं आपको अपने साथ लेके चल रही हूँ ताकि आप भी मेरे साथ एक्सप्लोर कर सकें. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, यू ऑल नो आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन. और आपको मैं एक चीज और बता दूं, मैं अभी आपको सिर्फ सरोजनी नगर मार्केट कैसी है और वहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, कैसी मार्केट चल रही है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी. बट जो उस मार्केट से मैंने जो भी परचेज किया वो मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि जो है वीडियो दो पार्ट्स में आ जाए. सो आप दोनों ही वीडियो को एंजॉय करें. मार्केट में एंटर होने से पहले ही आपको यहाँ पे कुछ सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल जाएंगी, जो कि सारी ही वैरायटी में अवेलेबल है इनके पास. और इनके पास चोकर भी है, इयररिंग्स भी हैं, बहुत सारे नेक पीसेस भी हैं. सो आप इनको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. ये है इसका एंट्रेंस. गेट नंबर 1 से हमने एंट्री ली थी और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ ऑलरेडी कितना ज़्यादा रश है मार्केट में. ज्वेलरी का तो इस बार ह्यूज कलेक्शन है सरोजनी नगर में. हर टाइम ही ज्वेलरी आपको जो है अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिल जाती है. सो इस बार भी मैंने चेकआउट करी है बहुत सारी ज्वेलरी. इनके पास बहुत सारे इयररिंग के पीसेस थे, यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी इयररिंग्स हैं. सारी टाइप की यहाँ पे सिल्वर भी थी और सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी थी और कलरफुल भी थी. और ये सारी जो अलग अलग कॉस्ट की थी, बट जो इनके इयररिंग्स थे उन सबका ही रेट 30 रुपीज़ पर पीस था. विंटर्स का फुल कलेक्शन सरोजनी नगर में आ चुका है. सारी ही जैकेट्स, कोट, सब कुछ आप देख सकते हो. स्वेटर, स्वेट शर्ट्स, ओवर कोट, बहुत सारी वैरायटीज़ में अवेलेबल है. आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हो और आप जैसा चाहो, जिस रेंज का चाहो, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको इजीली. बस थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि रश जो है बहुत ज़्यादा है. इस शॉप पे आपको टाई एंड डाई का सारा कलेक्शन मिल जाएगा. इनके पास टी शर्ट, जॉगर सब कुछ अवेलेबल थे. यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी के ओवरकोट्स मिल जाएंगे और इनके पास सारे ही कलर्स अवेलेबल थे. आई एम गिविंग यू अ 360 डिग्री ओवरलुक. आप देख सकते हो राउंड अबाउट सब जगह विंटर का कितना ज़्यादा कलेक्शन है. सारी शॉप्स जो हैं इन सारी विंटर कलेक्शन से फुल हो चुकी थी और लोग भी जो है बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे थे. सब लोग रश में थे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है. और डेनिम का भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे कलेक्शन आया हुआ है इस बार. डेनिम जैकेट्स, डेनिम शर्ट्स, डेनिम जीन्स, सब कुछ बहुत ही अच्छी वैरायटी में था. इस स्टोर पे हैंडबैग का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, ट्रेंडी हैंडबैग्स. अगेन मुझे बहुत ही अच्छी सी एक शॉप दिखी जिसमें कि बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग्स थे और इतने वाइड वैरायटी और कलर्स के इयररिंग्स इनके पास थे कि आप चूज़ भी नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका मन करेगा आप सारे ले लो. बहुत ही सुंदर इयररिंग्स थी. यहाँ पे फुटवेयर भी सेल पे था, 350 रुपीज़ के यहाँ पे शूज़ थे, सैंडल्स थे और बूट्स भी थे, बट बूट्स अलग अलग रेंज के थे. सो आप देख सकते हो बहुत ही वाइड वैरायटी है यहाँ पे बूट्स की.
सैंडल्स की, शूज़ की, सो आप जैसा भी फुटवेयर चाहो परचेज कर सकते हो। एक बहुत ही प्यारी सी शॉप दिखी जो कि मैं आपको नाम दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको सारे डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल लैम्प शेड्स। सो ये सारे यहाँ पे हैंगिंग लैम्प्स, इनके पास शेड्स थे और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम थे जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। इस शॉप पे आपको सारे फरी आइटम्स मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल फर की जैकेट्स, फर के कोट और हाफ जैकेट्स, पुल ओवर, इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी और ये एक ही स्टफ़ में था इनके पास जो कि थोड़ा सा फ्लरी था। इस वाले लेन में मेरा जाने का बहुत मन था बट क्योंकि रश इतना ज़्यादा था इसलिए मैंने अवॉइड किया कि मैं इसमें नहीं जाऊँगी। बट मैं आपको फिर भी बाहर से दिखा देती हूँ कि कितनी वाइड वेराइटी है इनके पास विंटर क्लोथिंग की, और इनके पास कोट्स, जैकेट, स्वेटर सब कुछ था, बट इस लेन में मैं नहीं विजिट। इस शॉप पे मिल जाएंगे आपको बहुत ही ट्रेंडी फुटवेयर, सो कि बहुत सुपर सुपर अफोर्डेबल कॉस्ट पे, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इस लेन से बाहर निकलते ही, आगे से लेन नंबर 3 है, इससे बाहर निकलते ही आपको जो है साउथ स्क्वायर मॉल मिल जाएगा। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे बैठ के कुछ खा पी सकते हो, अगर आपको स्ट्रीट फूड नहीं खाना है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है। एवरीवन इज़ बिज़ी इन शॉपिंग। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडमेड बैग कलेक्शन था। सेंटर में देयर इज अ स्पेस वेयर यू कैन सिट एंड रिलैक्स। Want to purchase footwear? Then come to this shop. इसमें बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी और only for 200 rupees. ये सबसे आउटर लेन है जहाँ पे आप जा सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे विजिट नहीं किया था, मैं आपको दूर से इसे दिखा रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुके थे। तो ये वाली लेन भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको फ्ली मार्केट नहीं जाना तो आप शोरूम्स में भी विजिट कर सकते हो, यहाँ पे सारे ही शोरूम्स जो हैं ओपन हैं। कैसी लगी आप लोगों को सरोजनी नगर की मार्केट? मैं भी सरोजनी नगर की मार्केट ऑलमोस्ट 1.5 या 2 इयर्स के बाद ही जा रही हूँ क्योंकि कोरोना वगैरह की वजह से कोई भी विजिट नहीं कर रहा था। बट आप देख ही सकते हो वीडियो में कि कितना ज्यादा रश है, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। शॉपिंग तो बहुत दूर दूर की बात है, बट स्टिल मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। जो कुछ चीजें मुझे समझ में आई है मैंने परचेज भी की है, सो वो सारी चीजें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। If you like this video, give it a thumbs up. Also, don't forget to subscribe to my channel. Milte hain next time ek nayi video ke saath. Till then, bye everyone.